ये किताबें देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये ज़मीन है और ये जो बाकी की किताबें हैं वो ज़मीन की बाकी अलग अलग लेयर्स हैं। अब मैंने इनमें से ना एक को हटा दिया, बची कितनी, चार। अब धीरे धीरे से मैंने इसमें से एक और को हटा दिया, बची कितनी, तीन। अब इनको भी हटा दिया, दो। तो अब ये जो हिस्सा है, ये जितनी भी किताबें हटी हैं, ये हो गया है खाली, खोखला, और बचा है ये ऊपरी सतह। अब जो ये ऊपरी सतह है वो हल्की सी नीचे बैठेगी और धीरे धीरे करके इसी में खोखलेपन में ध्वस्त होती जाएगी। बस यही है आज के एक्सप्लेनर का बेस, जोशी मठ में जो दरारें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक, 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक, 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ये परियोजनाएं इस दशक को, मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। क्या वाकई में शहरीकरण और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बन गईं जोशीमठ में पड़ रही दरारों की वजह? जोशीमठ जो कई हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थान है, बद्रीनाथ का गेटवे है, औली जैसी खूबसूरत जगहों की पहली सीढ़ी है, वहां जाएंगे तो देखेंगे कि कई सारे घरों में दरारें आ गई हैं। टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह सुन रहे होंगे कि जोशीमठ में हालात बहुत खराब हैं, कि लोग अपने घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। मगर इन दरारों की वजह क्या है, क्या आपने कभी सोचा? वैसे आई एम श्योर कि आपने ये बात सोची होगी और कई अलग अलग सोर्सेस से आपको पता चला होगा अलग अलग रीजंस। इस वीडियो में उन सभी बातों पर चर्चा होगी और हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियली क्या क्या वजहें हो सकती हैं जोशीमठ में आई दरारों की। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी, जोशीमठ इन दिनों भू धसाव और घरों में पड़ रही दरारों की वजह से पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अब इसे लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से इस पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। लोगों को डर है कि जिस तरीके से इस शहर में जमीन धंस रही है और मकानों में दरारें पड़ी जा रही हैं, कहीं उनका भी घर किसी दिन उन्हीं पर ना गिर जाए। मगर क्यों फट रही है ये धरती, हम आपको बताएंगे। धरती फटने या धंसने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि झारखंड से कुछ समय पहले खबर आई थी कि वहाँ कोयले की खदान के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ज़मीनें फट रही हैं। उसके पीछे दो कारण बताए गए, एक तो ये कि खदान से कोयला निकालने की वजह से ऊपर की जो ज़मीन है वो कमज़ोर हो गई, जो मैंने अभी आपको समझाई। वहीं दूसरा कारण बताया जा रहा है कि कोयला निकालने के लिए खदान में कई सारे ब्लास्ट किए गए थे। कुछ ऐसे ही कारण जोशीमठ में भी देखने को हमें मिल रहे हैं, जहां लोग अभी जमीन के धसने और घरों की दीवारों के फटने से परेशान हैं। देवर ने जितनी कमाई थी इसी में लगाई, मैंने भी जितना किया सभी इसी में लगाया, अब कुछ नहीं हमारे पास, हम तो बेघर हो गए बेटा, क्या करें, हम कहां जाएं, घर बार भी नहीं है, कहां जाना, क्या करना, खाने के नहीं है, ओढ़ने के नहीं है, कुछ नहीं, रास्ते में हारे, हम रात को आए हम यहाँ। आप देख सकते किचनों में मेरा पूरा सामान इधर का उधर का, कुछ तो दब गया सामान, कुछ तो दब गया सामान, मंदिर भी अंदर आ गया, क्या करना, पूजा पाठ कहाँ करना, खेत बाड़ी सब मकान उकन सब तस नस हो गया। वारी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्ना मिता चौधरी कहती हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा नदियां लगातार उत्तराखंड के विष्णुप्रयाग इलाके में नीचे की ओर से कटाव कर रही हैं। आप मैप में साफ देख सकते हैं तीनों ही जगहें। दरअसल विष्णुप्रयाग से ही जोशीमठ का जो ढलना है, जो ढलान है, वो शुरू होती है। फिर 2013 में आई केदारनाथ बाढ़, 21 का रेड़ी हादसा, 22 का चमोली हादसा
और बद्रीनाथ क्षेत्र के पंडुकेश्वर में बादल का फटना, ये सभी जोशीमठ में जमीन के धंसने का एक बहुत बड़ा कारण माने जा रहे हैं। अब एक और फैक्ट आपको बताती चलती हूँ इस ध्वंस से रिलेटेड, जो आपको शायद नहीं पता होगा। जोशीमठ ठोस जमीन पर नहीं बना है। कैसे? दरअसल जोशीमठ के धंसने के पीछे दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि शहर ठोस जमीन पर नहीं है। कहा जाता है कि शहर ग्लेशियर द्वारा लाए गए मलबे पर बसा है, यानी कि जोशीमठ शहर के नीचे की जमीन में लैंडस्लाइड मटेरियल है जो अब धंसता जा रहा है, और इसी की वजह से वहाँ जमीन फटी जा रही है और घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं ब्लास्ट की वजह। जोशीमठ के धंसने के पीछे वहाँ टनल बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई विस्फोट किए गए हैं, ये ऐसा पता चला है लोगों से। दरअसल शहर में एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें टनल बनाने के लिए कई बड़े ब्लास्ट कराए गए जिसकी वजह से इस शहर के नीचे के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिल गए, उन पर असर पड़ा। अब स्थिति यह है कि इस शहर के पास सिर्फ कुछ ही वक्त और बचा है। अगर समय पर यहाँ रहने वाले लोगों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया, रिहैबिलिटेट नहीं किया गया, तो भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। हालांकि एनटीपीसी ने इस थ्योरी पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ये कहा है। एनटीपीसी की बनाई हुई सुरंग जोशीमठ के नीचे से होकर नहीं निकलती है। ये सुरंग टनल बोरिंग मशीन यानी कि TBM द्वारा खोदी गई है और इसमें कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि ये जो सुरंग है वो नदी के पानी को प्लांट के टरबाइन तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। कंपनी ने ये तो बता दिया कि TMP से सुरंग खोदी गई है मगर ब्लास्ट नहीं हुआ है, मगर ये बताना शायद वो भूल गए कि उसी TMP की वजह से वहां कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है लोकल शहरियों को। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिसंबर 2009 के बाद से तपोवन विष्णुगाड हाइडल प्रोजेक्ट में कई बार इसी टनल बोरिंग मशीन ने उस पत्थर को ही तोड़ दिया जो जमीन का पानी स्टोर करता था। इस घटना को दोस्तों एक्वीफर इंग्रेस कहा जाता है। और तो और दिसंबर 2009 में TBM ने सुरंग में जमीनी पानी का जो प्रेशर है उसे ट्रिगर कर दिया था, और 2010 की गर्मियों में वहां के लोगों को पीने के पानी की भी समस्या हुई थी जिसे NTPC को सॉर्ट आउट आखिर करना ही पड़ा, और गांव वालों की माननी पड़ी कि इस दिक्कत के लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि मिट्टी भरा पानी बाहर आ रहा है यानी कि मड फिल्ड पानी है, उससे तो यही लगता है कि शायद होना हो ये एक्वीफर इंग्रेस की वजह से ही हुआ है, क्योंकि पत्थर जो है वो ग्राउंड वाटर संभाले हुआ था और अब वो फट चुका है। इस पर टीम्स बैठी तो हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, कई मीटिंग्स लगातार हो रही हैं, PM मोदी भी उन मीटिंग्स में जा रहे हैं। इससे पहले कि कुछ और बड़ा हो, लोग वहां से घर खाली कर रहे हैं, इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुदरत इंतजार करती है, सब्र करती है कि हम सुधर जाएं, शायद रास्ते पर आ जाएं, और जो ना आए तो कुदरत का एक बार शहर के शहर ढा सकता है। उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। खैर, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा कि दरारें क्यों पड़ रही हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अनकट। मैं हूँ साहिबा खान, मुझे दे इजाज़त।